ये तो छोटे हैं झुंड इनके, ये सारी आपकी हैं भेड़ें। लैंसकार्ट में भीड़ ही बड़ी है। तो भाई ये है एग्जोर का हेलमेट, ये ले लिया मैंने जिसके लिए मैं आज आया था। देखो बढ़िया है, और मैं नहीं जाऊंगा इसके पीछे, बुलाती है मगर जाने का नहीं, हम जाएंगे यहाँ से। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और गाइस दोपहर के 1:30 बजने वाले हैं और मैं निकल रहा हूँ पालमपुर की तरफ, और मौसम यहाँ का है हल्का ठंडा, तो जैकेट डाल लिया। नवंबर चल रहा है, यहाँ पे ठंड थोड़ी सी बढ़ रही है। मैं पालमपुर किस लिए निकल रहा हूँ वो मैं आपको रास्ते में बताता हूँ। चलो जी निकलते हैं अभी। पालमपुर में मुझे दो काम है आज वो करने हैं। फर्स्ट काम ये है कि मुझे एक हेलमेट लेना है नया, और दूसरा काम ऐसा है कि मुझे ग्लासेस अपने जो है नए बनवाने हैं, तो उसी के लिए मैं पालमपुर जा रहा हूँ। और ग्लासेस जो मैं बनवाने वाला हूँ वो मैं बनवा रहा हूँ एंटी फोग लेंस जो हैं वो मुझे लगवाने हैं ग्लासेस में। मैंने बात करी है वैसे लेंस कार्ट में ना पालमपुर में, उन्होंने बोला कि हाँ हो जाएगा, एंटी फोग लेंस लगवाऊँगा। ग्लासेस मैं बनवाने वाला हूँ ओनली राइडिंग के लिए। राइडिंग के दौरान ना मुझे दिक्कत होती है, अपना वाइजर खोल के रखना पड़ता है, नहीं तो फोग हो जाता है। अभी देखो ठंड का मौसम है तो ऐसे मुझे मुश्किल होती है। टाइम 1:45 हो गया, 15 मिनट तो मेरे यहीं लग गए घर से निकलते निकलते यहाँ पहुँचते। एक घंटा लगता है यहाँ से प्रॉपर पालमपुर के लिए ना। पाउडर लगवा दिया इसलिए देखो वाइजर खोल के चला रहा हूँ ना, थोड़ी देर पहले बोल रहा था मैं वाइजर खोल के चलाओगे तो पूरा धूल मिट्टी नाक और मुंह के अंदर सीधा, मुश्किल होती है। फिर ओ माय गॉड, भाई डॉग्स का कोई भरोसा नहीं कब आ जाए आगे। एज यूजली मैं लेने वाला हूँ टर्न यहीं से ही, राइट टर्न, बड़ा ही शॉर्ट टर्न ले लिया मैंने। हाँ ये थोड़ा सा कंफर्टेबल रास्ता तो नहीं बोल सकते, बट बाइकर्स के लिए क्या कंफर्टेबल क्या, हमें तो थोड़ा सा रफ मिल जाए तो हम बोलते हैं भाई ऑफ रोड मिल गया हमें तो ये थोड़ा छोटा पड़ जाता है ना मुझे, इसलिए मैं यहाँ से जाना प्रेफर करता हूँ। मैं आपको बता दूँ मैं इस बाइक के अभी टायर जो है रिप्लेस करवाने वाला हूँ, उसका भी चल रहा है, फाइनल हो गए हैं कौन से लगाने हैं। जो मैंने बहुत सारी वीडियोस में बता रखा था कि फ्रंट रिम में बेंड है, तो नया ही फ्रंट रिम मैंने मंगवा लिया है। और रिम तो आ गया फ्रंट वाला नया, बट टायर्स आ जाते हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि तभी मैं फिर सारा काम एक साथ करवा लूँ। 2025 में ना बहुत दबा के राइड होने वाली है अपनी, और बस यही है। हम मैं तो एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा, बाइक में जो छोटे मोटे काम हैं वो फिनिश कर देने हैं उससे पहले। 18,000 किलोमीटर भी अपना कम्प्लीट हो चुका है बाइक का अभी हुआ जस्ट बिल्कुल 18,000 किलोमीटर देखा मैंने, ऐसा नहीं कि 18.8 हो गया वैसा हो गया, कुछ नहीं प्रॉपर 18,000। और यहाँ रुक जाते हैं, देखो ये गद्दी लोग ना अभी ऊपर पहाड़ों पे हो रही है वट हो रही है, पहाड़ों पे जब ठंडी ज़्यादा बढ़ जाती है तो अपनी भेड़ों बकरियों के साथ ना मैदानी इलाकों में आ जाते हैं। ये तो छोटे हैं झुंड इनके, बच्चा भी इधर है, लोकल तो नहीं है कहीं इधर के, इससे पूछता हूँ घर कहाँ है। कहाँ घर भाई, कहाँ पे? अच्छा यहीं के लोकल हैं क्या? ये सारी आपकी हैं भेड़ें? हाँ, कितनी है टोटल? चल ठीक है, तो ये यहीं के लोकल है। मैंने देखा ना बच्चा छोटा सा साथ में है तो मैंने सोचा पूछ लूँ, लगा मुझे कि कहीं लोकल ना हो, लोकल ही हैं इधर के, इधर पास में बोले घर है। 200 बकरियाँ, भेड़ बकरियाँ, बकरियाँ नहीं भेड़ें भी हैं साथ में, फिर उन्होंने पाल रखी है। अच्छा है, इनको तो दिक्कत नहीं कहीं जाने की सर्दियों में,
हमारे पहाड़ी इलाकों में, जहाँ ऊपर के इलाकों में जो होते हैं ना गडरिए, वो आते हैं इधर अपनी भेड़ों के साथ में। ऊपर पड़ जाती है बर्फ़ ना, तो वहाँ पे इनके लिए चारा नहीं मिलता फिर बकरियों के लिए, इसलिए आते हैं। गाइस मैं सोच रहा हूँ ना एक ड्रोन भी ले लेता हूँ, और इस साल बहुत राइड होने वाली है दवा के, तो बहुत सारी नई नई जगहों पे जाऊँगा, और ड्रोन से जो होता है ना कंटेंट और बेटर होगा मेरा। ड्रोन के लिए मैंने 5-6 जगह पे बात भी करी है, तो देखते हैं जहाँ बेटर डील मिल जाएगी वो वहाँ से ले लूँगा। एज ऑफ नाउ जो प्लान है वो DJI मिनी 4 प्रो लेने का है मेरा, देखते हैं फाइनल मैंने वही किया है। भवारना यहाँ से है 500 मीटर की दूरी पे। चलो फ्यूल की वैसे ज़रूरत नहीं है, फ्यूल तो फुल ही है। और मैं सोच रहा हूँ अपनी इस बाइक का भी कुछ नाम रखूँ, सभी राइडर्स रखते हैं, मैंने अभी तक रखा नहीं, मैं डोमिनार डोमिनार ही बोलता हूँ इसको, बट नाम रखूँगा इसका मैं कुछ। आप सभी को कुछ लगे, कोई सजेशन हो आप सभी के, तो वो भी आप प्लीज़ ज़रूर बताना जब भी आप ये ब्लॉग देखेंगे। तो मैं पहले जाऊँगा लेंसकार्ट में ना, और अपना पहले ऑर्डर प्लेस करके आ जाऊँगा, और फ्रेम भी सिलेक्ट कर लूँगा। ये फ्रेम भी पुरानी हो चुकी है, और इस फ्रेम की डिसएडवांटेज यही है मेरे नोज़ के बहुत साइड में ना ब्लैक निशान आ रखे हैं, तो कोई सॉफ्ट सी फ्रेम यूज़ करूँगा मैं, जिससे कि वो निशान ना आए। और छोटी छोटी वाली फ्रेम लेने की सोचूँगा, ये थोड़ी बड़ी है, तो फिर ये हेलमेट पे लगाते हैं थोड़ा सा अनकम्फर्ट रहता हूँ इससे मैं ना। चलो जी मैं अभी पहुँच चुका हूँ, बोल सकते हैं पालमपुर, यहाँ से 300 मीटर पे है पालमपुर का बस स्टैंड ना, और मैं यहाँ से बस स्टैंड से पहले नीचे से चला जाऊँगा, मेरे को जाना है गुगर साइड ना, लेंसकार्ट वहीं पे है। चलो भाई ये है सामने लेंसकार्ट, पहुँच गया मैं। लेंसकार्ट में भीड़ ही बड़ी है, पहले पूछ लेता हूँ वीडियोस तो वैसे क्या बनाऊंगा इधर मैं। सो गाइस मैंने अपने लेंसेस के लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया, और अंदर क्या था वीडियो के लिए मना किया, तो मैंने बोला ठीक है मना करा तो कोई बात नहीं नहीं बनाएंगे। अब मैं जा रहा हूँ हेलमेट स्टोर, मुझे हेलमेट बाय करना है, और टाइम अभी हो रखा है 3:42 हो गए, 4 बजने वाले हैं, तो चलते हैं भाई। चलो बड़ा अच्छा टूरिंग सेटअप कर रखा है, विंडशील्ड भी कितनी बड़ी है क्या है, कौन सी बाइक है, अच्छा एवेंजर ही है, इतनी बड़ी विंडशील्ड है इसकी, अच्छी है और कंफर्ट है काफ़ी, आराम से ऐसे लग रहा हो आप चेयर पे बैठ के चला रहे हो। सुंगल तो मैं पहुंच गया हूँ, सुंगल में है क्या, हाँ सुंगल में ही है, खुली है भाई खुली दुकान, तो खुली है भाई की। चलो पहुंच गया मैं, तो देख लो कितनी बाइकें लगी हैं इधर। भाई नमस्कार, क्या हाल है बड़ी भाई, हाँ जी भाई, पढ़ लिया था मेरा मैसेज आपने? नहीं अभी दिया था क्या आपने? नहीं, मैं अच्छा सुबह तो मैंने पढ़ा था कि मैं थोड़ा लेट आना, आपने बोला था ना थोड़ा लेट आना, तो मैंने देखा था। और बताओ कैसे हैं, मेरे टायर्स का कुछ जुगाड़ हुआ नहीं, कराओ भाई
बड़ा जरूरी है। तो भाई ये है एग्जोर का हेलमेट, ये ले लिया मैंने जिसके लिए मैं आज आया था। देखो बढ़िया है, फिट भी अच्छा है, मीडियम लिया मैंने। और इसको यहाँ से देखो नीचे कर सकते हैं, और ये आता है पिन लॉक के साथ में, जिसमें पिन लॉक जो होता है उसमें फोग ना हो, उसके लिए अंदर एक फिल्म सी लगी रहती है, तो वो भी है इसमें। और ये मैं पहले भी एग्जोर का यूज़ किया है, तो मैंने एग्जोर का ही लिया। और बाकी और भी हेलमेट देख लो यहाँ पे, और भी हैं। मेरा साइज़ का जो मीडियम था वो मैंने ले लिया। और ये जहाँ से मैंने लिया है, ये है अर्बन ऑटोमोटिव, जो पालमपुर में सुंगल के पास में है इनका भाई का ना ये शॉप, तो वहाँ से लिया मैंने। बाइक का थोड़ा सा काम चल रहा है, जैसे थोड़ा सा आया था तो सोचा कि ये काम पेंडिंग है तो करवा लूँ, तो बस उसके बाद मैं चलूँगा वापस। ऑलमोस्ट हो चुका होगा, अंधेरा हो चुका है वैसे। ये देखो भाई गए हैं, शायद बाइक तो है नहीं इधर, भाई गए हैं राइड के लिए, एक बार वो राइड ले लेंगे फिर ठीक है चलेंगे वापस। बढ़िया हो गया भाई, सोच के आया था कि ले ही लूँगा और ले ही लिया मैंने। सही है, बढ़िया लग रहा है, नई चीज़ की जो खुशी है ना वो अलग ही है। और इस बार मैंने मैट में नहीं लिया, ग्लोसी कलर है। हाँ ठीक है, कपड़े से साफ हो जाया करेगा, बढ़िया। और इसमें ग्राफिक्स कुछ इस टाइप के ग्राफिक्स हैं अभी। अभी मैं इसकी जो है वो निकालूंगा नहीं फिल्म वगैरह उसके स्टिकर वगैरह, घर जाके आराम से निकालूंगा मैं। चलो बाइक भी आ गई अपनी, भाई लेके आ गए ट्राई ले। देखो ठीक है भाई, अभी बस तो आपने ले लिया, फिर मैं चलाता हूँ, कुछ लगेगा तो जब आऊँगा नेक्स्ट टाइम तो देख लूँगा ना। चलो भाई हेलमेट ले लिया और निकल रहा हूँ। टाइम कितना हो गया है, 6 बज गए, 7 बजे पहुँच जाऊँगा घर पे ना। मैंने आपको बताया नहीं कि मुझे हेलमेट कितने का पड़ा, तो हेलमेट जो पड़ा है वो पड़ा है मुझे 4800 का। ओवरटेक करना मुश्किल है इसको। कोई गाड़ी आ रही है आगे, कार है, AR लिखा हुआ है, AR06 करके है ना, अरुणाचल प्रदेश में रजिस्टर हुई है, कहाँ रजिस्टर हुई है नहीं पता। और मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा इसके पीछे, बुलाती है मगर जाने का नहीं, हम जाएंगे यहाँ से। चलो भाई हम दौड़ाते हैं इसको अंधेरी रातों में। जब मैं इसको दौड़ाने लगता हूँ सामने से गाड़ी आ जाती है। और ये वही जगह है जहाँ पे बोलते हैं कि जून के मंथ में ना इधर ये हुआ था, एक बंदे को कुछ अज्ञात लोगों ने रोक लिया था और उसकी तलाशी ली थी, तलाशी इन दी सेंस उसको लूट लिया था। तो यही जगह थी, अभी आगे पता नहीं क्या कहानी है, पर उस बंदे का अखबार में आया था, उसने बोले अपने बाद में FIR भी करवाई थी, पर FIR में पता नहीं पुलिस ने बाद में क्या किया नहीं किया वो तो जानकारी नहीं है मुझे। भाई लोगों तो मैं बस अभी पहुंच गया अपने गांव, और इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड। और आशा करता हूं कि आप सभी ने ये ब्लॉग पसंद किया होगा, अगर आप कंटेंट पसंद कर रहे हैं तो आपको वही करना है, वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट भी करने हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना है। और मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, स्टे सेफ गाइज़।